कैसी गर्मी हो रही है सर? तापमान बहुत ही भयंकर हो रखा है। अभी मैं कोटा में हूँ और जो नॉर्मल यहाँ पे टेम्परेचर जा रहा है वो जा रहा है 43 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट जो है 46 भी जाता ही है। और मिनिमम की तो बात छोड़ो, सूर्य देवता प्रकट ही 31 डिग्री सेल्सियस से होते हैं, है ना। कल ही मीम देख रहा था कि सर हनुमान जी को बोलो एक बार फिर से सूर्य को निकल जाए, लेकिन आपको पता ऐसा नहीं हो सकता, कलयुग में रह रहे हैं आप, ठीक है। इसका रीज़न भी हम ही हैं, हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, शहरों की आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, गांव के लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही शहरों में पलायन करेंगे उनको रहने के लिए आवास चाहिए, और आवास के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, सब पेड़ पौधे कटते हैं, घर बनते हैं। और दूसरा जो शहर हैं वो गाँवों की तरफ जा रहे हैं, यानी गाँव ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हो गया रहा है, सब पेड़ पौधे कट रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है ना, और यही रीज़न है कि जो आज हम फेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को पूरा इंडिया फेस कर रहा है ना। और यूँ मान के चलिए कि लास्ट ईयर तक जो एवरेज टेम्परेचर जाता था, है ना, वो ज़्यादा 37-38, है ना, और हाईएस्ट 42 जाता था। इस साल कितना हो गया, 46 चला गया, और एक जगह मैंने देखा 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। इसका मतलब वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जब हम अर्धशतक पार कर जाएंगे, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस अगले 2-3 सालों में देखने को मिल जाएगा यदि यही चलता रहा, ठीक है। तो बात ऐसी है कि पेड़ पौधे लगाएं, सभी लगाएं, सिर्फ एक के लगाने से कुछ नहीं होगा, एक सोचता है कि दूसरा लगा दे, दूसरा सोचता है तीसरा लगा दे, सबको लगाने पड़ेंगे, है ना, तभी जा करके हम आने वाले भविष्य को थोड़ा सा सिक्योर कर पाएंगे।